ज्वेलरी शोरूम में टप्पेबाजी कर सोने के जेवरों को चोरी करने वाली दो शातिर महिला चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 2 दिसंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी ज्वेलरी शोरूम में घुस करके महिलाओं ने टप्पेबाजी की, जिसकी सूचना दुकान मालिक ने पुलिस को दे दी थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से पुलिस ने एक सोने की झाले और 10,500 रुपए भी बरामद किए हैं। कोतवाली शहर जनपद इटावा में 2/12/22 को टप्पेबाजी कह सकते हैं, उचक्कागिरी कह सकते हैं, या 420 करके जो है पारस जैन ज्वेलर्स की दुकान थी कोतवाली शहर में, वहां पर उन्होंने कान के छाले और कुछ ज्वेलरी लेके चली गई थी। दो महिलाएं इसमें जो है, जो हमारे फुटेज थे उसके आधार पर इनका नाम प्रकाश में आया था और जिसके आधार पर पता चला कि इन महिलाओं का जो आपराधिक इतिहास भी है और ये कानपुर नगर बर्रा थाने की रहने वाली है, इनको गिरफ्तार किया गया है तथा इनकी पोजीशन से एक कान का झाला जिसे वादी ने पहचान भी लिया है तथा 10,500 रुपये दूसरा जो झाला बेच करके उन्होंने प्राप्त किया था धन, 10,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार इनके आपराधिक इतिहास भी हैं तथा इनके पास से जो बरामद किया गया है उस पर 389 APC का अभियोग भी इसमें वृद्धि की गई है। इस प्रकार से इनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं हैं और ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुतमईन करके एकदम से विश्वास में लेकर के एक घटना करती हैं जिससे आप समझ ना सके घटना करने वाली इस तरह की ये गैंग की सदस्य हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।